छोटी छोटी बच्चियों को जो कि अभी नादान है उनको कैसे वो लोग अपने ही रंग में रंग रहे हैं। तो इस मूवी को बच्चों को दिखाना चाहिए ताकि बच्चों को पता चले अच्छे और बुरे की पहचान हो। 90% वो हो रहा है जो हम आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो दिखाया गया है फिल्म में ये 10%, जब 10% देख के हम लोगों की रूह कांप जाती है तो सोचिए 90% में क्या होगा। उसमें आपने भी देखा, आप भी मूवी देख रहे थे कि वो जो दूसरी धर्म की बच्ची थी उसने अपने भगवान को ज़्यादा अच्छा बताया, ना कि हिंदू धर्म के भगवान को बताया। सर इस मूवी को बिल्कुल देखना चाहिए, सभी लोगों को देखना चाहिए और जहाँ जहाँ बैन लगी है तो वहाँ भी बैन हटा देना चाहिए, क्योंकि इस मूवी से जो आजकल के बच्चे उनको काफ़ी सीखने को मिलेगा। रोक वहीं लगाई गई है जहाँ सरकार उनके पक्ष में है, आतंकवादियों के पक्ष में है, वहीं पर रोक लगाई गई है। आजकल जो हमारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं और ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, उनके लिए सीखना चाहिए, देखना चाहिए। और जो मुझे समझ में आया है, जो हम पेरेंट्स हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उस मूवी में मैंने जो मेन चीज़ नोटिस की है, एक बच्ची घर जाके अपनी माँ से अपने पिताजी से कहती है कि आपने मुझे दूसरों के बारे में तो बताया, मतलब दूसरों के यहाँ पूजा पाठ जो भी होती है उसके बारे में बताया, लेकिन मुझे कभी अपने यहाँ के चीज़ों के बारे में नहीं बताया। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ के जो बच्चे आजकल फ़ोन में ज़्यादा हैं और कल्चर के बारे में उनको नहीं जानकारी है, तो सबसे बड़ी बात आप अपने बच्चों को अभी से स्टार्टिंग से ही हर चीज़ के बारे में जानकारी दें और सारी चीज़ें बच्चों को पता होना चाहिए क्योंकि वो भ्रमित ना हो। उसमें आपने भी देखा, आप भी मूवी देख रहे थे कि वो जो दूसरी धर्म की बच्ची थी उसने अपने भगवान को ज़्यादा अच्छा बताया, ना कि हिंदू धर्म के भगवान को बताया। तो बच्चे वो चीज़ें देख के उनका जो दिमाग है वो उनके प्रति हो गया। तो आप लोग सभी कहिए, इस फिल्म को जब हम लोग देख के आए तो सीधे तौर पर ऐसा देखा गया कि जो लड़कियां हैं, नई नई एज की लड़की हैं, वो हॉस्टल में जाती हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन वहां चंद लोग जो हैं उनका ब्रेन वॉश करते हैं अपने धर्म को लेकर, फिर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और उसमें सहारा लिया जाता है कहीं ना कहीं प्यार का, और प्यार के ही सहारे फिर उनका धर्मांतरण होता है और धर्मांतरण के बाद उन्हें एक तरह से अपने जाल में फंसा के ब्लैकमेल करके दूसरे देशों में ले जाया जाता है। फिर उनके साथ क्या कुछ नहीं होता, होने को तो बहुत कुछ चीज़ें हैं लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं क्या कुछ नहीं होता, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सीधे कैमरे पर बताना ठीक नहीं है। मैम आपके क्या अनुभव रहे हैं फिल्म को लेकर, और जो जिन लोगों ने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, क्योंकि इस फिल्म को लेकर लगातार दो पक्ष सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में यदि देखें इस फिल्म को बैन कर दिया गया है, लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अब 12 तारीख को फिल्म देखने जा रहे हैं, आपके क्या अनुभव रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए इस फिल्म को बिल्कुल लगना चाहिए और जहाँ जहाँ रोक लगी है वहाँ से रोक वहाँ की सरकार को हटाना चाहिए। रोक वहीं लगाई गई है जहाँ सरकार उनके पक्ष में है, आतंकवादियों के पक्ष में है, वहीं पर रोक लगाई गई है। और आपका सवाल था कि इन ऐसी फिल्में जो ये फिल्म है इसमें अभी आप ये मान के चलिए कि जो हकीकत में हो रहा है वो 10% भी नहीं दिखाया गया है, है ना? इससे ज़्यादा हो रहा है, इससे ज़्यादा 90% वो हो रहा है जो हम आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो दिखाया गया है फिल्म में ये 10%, जब 10% देख के हम लोगों की रूह कांप जाती है तो सोचिए 90% में क्या होगा। और सबसे बड़ी बात तो हम अपनी समाज से, अपने देश से, अपने नेताओं से यही कहना चाहते हैं, राजनीतिक लोगों से, कि देखिए जो लोग इस तरीके के कांड कर रहे हैं या साजिश कर रहे हैं वो सिर्फ आप हिंदू मुस्लिम को ही लेके ना चलिए, और भी कई चीज़ें हैं। तो जो मास्टरमाइंड होते हैं ऐसे गेम को प्लान करने में, वो क्या है कि सारी चीज़ें अपनी प्री प्लान करते हैं, और हमारा जो कानून है इंडिया का वो सबूतों के आधार पर चलता है। तो जब सामने वाला बंदा प्री प्लान कर रहा है तो वो सारे सबूत आपके खिलाफ रख ले रहा है, वो चीज़ इसमें दिखाई गई है फिल्म में। और आप क्या है, आप एक धारा की तरह बहते चले जाते हैं नदी में, आपको समझ में नहीं आता है क्या है। और हमारे इंडिया का जो कानून है वो सबूत मांगता है, तो आपके खिलाफ जब सारे सबूत हो जाते हैं तो अल्टीमेटली आप टेररिस्ट घोषित हो जाते हो। अच्छा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो हैं ममता बनर्जी, वो खुद एक महिला हैं और इसमें महिलाओं की प्रति ज्यादती दिखाई गई है फिल्म में, वो फिल्म बैन को लेकर कह रही हैं इससे हिंसा भड़क सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए ये कहने में हम बिल्कुल नहीं हिचकेंगे कि
पहले पुरुष द्वारा ये काम किए जाते थे लेकिन महिलाएं सतर्क हो गईं, तो अब महिलाओं द्वारा ही ये काम कराए जाते हैं, क्योंकि पुरुषों पे महिलाएं कम भरोसा करती हैं, लड़कियां जेंट्स पे कम भरोसा करती हैं। वहीं पे उन लोगों ने प्लान, जो ऐसे तत्व होते हैं वो महिलाओं को ही प्लान करते हैं, महिलाओं को ही प्लान करके रखते हैं, वो किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि बच्चियाँ होती हैं या महिलाएँ होती हैं वो महिलाओं की बात को समझ नहीं पाती और वो भावुकता में उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। तो ममता बनर्जी हो या हमारे देश की जो भी महिला नेता हो या बहुत छोटे तबके से समाज से कोई महिला हो, जरूरी नहीं है, हम आपके बीच में भी यहाँ पे भी टेररिस्ट महिला हो सकती है जो हमारे आपके बच्चों को गुमराह कर सकती है। हमारा केवल संदेश समाज को ये है कि आप अपने धर्म के प्रति, जैसे मुसलमान अपने धर्म के प्रति इतनी कट्टर होते हैं कि वो आपके धर्म को भी परिवर्तित कर देते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म क्यों नहीं परिवर्तित हो पाते हैं, इतने कट्टर क्यों नहीं हो पाते हैं कि मुसलमान की लड़कियों को परिवर्तित करें, मुसलमान के लड़कों को हिंदू धर्म में परिवर्तन करें, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हमारे समाज में क्या है कि जो नेता हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनने अपने फायदे के लिए ये चला रखा है, तुम चमार जाति के हो, तुम धोबी हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम बनिया हो, हम लोग इंडिया में इसी में सब उलझे हुए हैं। लेकिन हकीकत में मुसलमानों के अंदर क्या है, सिर्फ एक मुसलमान, अगर आवाज़ लगाई एक मुसलमान ने तो एक मुसलमान खड़ा है। हम लोग अगर किसी के साथ कोई घटना हो गई तो हम लोग अरे वो फलानी जाति का है, हमें क्या करना है, तो हम लोगों को राजनीतिक पार्टियों ने इसमें बांट दिया है, कहीं ना कहीं उलझा दिया है, और ये हम लोगों के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। और अंत में हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं समाज को कि हमारी बहनें और हमारी बेटियाँ कहीं भी जाए, क्योंकि आजकल एजुकेशन के लिए आप बाहर भी जा रहे हो, अन्य देशों में जा रहे हो, अन्य शहरों में जा रहे हो, इंडिया से बाहर भी जा रहे हो, तो आपके बीच में कहीं ना कहीं कोई लड़की, कहीं ना कहीं हॉस्टल वार्डन, कहीं ना कहीं आपके साथ बॉयफ्रेंड, कहीं ना कहीं कुछ साजिश हो सकती है। तो आप अपना दिमाग, अपना कान, अपनी आँखें खोलें और सिर्फ अपने पेरेंट्स पर भरोसा करें, ना कि किसी अन्य पर। बहुत बढ़िया। एक और हैं, आप क्या कहना चाहेंगी अपनी झांसी की बच्चियों से और देश की बच्चियों से इस फिल्म को लेकर? मैं सभी बहनों और आजकल की जो युवा पीढ़ी है, मैं उन सबको यही सब संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अपना जो कल्चर है वो अपनाएं, अपने धर्म को अपनाएं, ना कि दूसरों की बातों पे भरोसा करें। और माँ बाप ऐसे एक शख्स हैं जो भगवान के स्वरूप है, तो उन्हीं को, माँ बाप को जो दर्जा दिया गया है भगवान के स्वरूप से, उसी पे भरोसा करें, अन्यथा और आप किसी पे भरोसा ना करें। एक फिल्म को देखकर क्या लगा आपको, क्या अनुभव? यही लगा कि आजकल दुनिया भरोसे करने लायक नहीं है। आप सुनो तो सबकी, लेकिन आप अपना दिमाग, आँख, कान, नाक सब कुछ खोल के रखो ताकि आपको कोई गुमराह ना कर सके। मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ें लेकिन सुरक्षित बढ़ें। आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर, क्योंकि बड़ी आपने 3 घंटा समय दिया अपना, 10 में से कितने नंबर देखने चाहिए लोगों को कि नहीं देखना चाहिए? सर इस मूवी को बिल्कुल देखना चाहिए, सभी लोगों को देखना चाहिए, और जहाँ जहाँ बैन लगी है तो वहाँ भी बैन हटा देना चाहिए, क्योंकि इस मूवी से जो आजकल के बच्चे हैं उनको काफ़ी सीखने को मिलेगा, कहीं के भी हों उनको सीखने को मिलेगा, माँ बाप भी जागरूक होंगे, वो भी बच्चों के प्रति अलर्ट रहेंगे, तो ये देखना चाहिए सभी। तो एक पत्रकारिता के छात्र हैं हमारे साथ शिवांश, इन्होंने भी मूवी देखी हम लोगों के साथ बैठ के, क्या कहेंगे शिवांश, क्या लगा आपको? सबसे पहले तो मेरे को मूवी देख के ये लगा कि कहीं ना कहीं उस चीज़ में सही भी है और गलत भी है, मतलब मुसलमानों को जितना बुरा दिखाया जा रहा है, हो सकता हो भी और हो सकता ना भी हो, तो हो सकता हो भी सकते, लेकिन जितने मेरे सराउंडिंग्स में हैं मोमिनस, वो उस हिसाब से उतने बुरे तो नहीं है, ना उनने कभी मेरे संग कभी कुछ किया है, जैसे उनके भी कुछ फेस्टिवल्स होते तो हम लोग भी साथ में सेलिब्रेट करते, हमारे कुछ होते तो उनके भी साथ में करते, तो लोगों को देखना चाहिए, लेकिन देखो तो खुले दिमाग से देखो, मतलब ऐसा नहीं कि देखने के बाद मतलब मुसलमानों से बिल्कुल घृणा कर लो, घृणा करने लगो, मतलब बिल्कुल नफरत सी हो जाए कि नहीं मेरे को नहीं करना, नहीं होते हैं, कुछ बुरे भी होंगे कुछ अच्छे भी होंगे। शिवांश का ओपिनियन है कि हाँ कुछ लोग होते हैं बहुत बुरे होते हैं, इस फिल्म में कुछ लोगों को दिखाया गया है, लेकिन सभी बुरे नहीं होते हैं। ये मैम है, मैम आप क्या कहेंगी, क्या लगा आपको? इस फिल्म में मुझे ये लगा, धर्म कोई गलत नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई, धर्म सब अच्छे हैं, लेकिन इस मूवी में जो है वो एक आतंकवाद को
बढ़ावा करते दिखाया गया, क्योंकि जो ये कर रहे हैं ये मुसलमान नहीं कर रहे, ये इस्लाम धर्म के खिलाफ या फिर इस्लाम वो लोग को आतंकवादी बना रहे हैं अपने, मतलब एक भारत में मतलब जो इस किस तरीके से हम आतंकवाद फैला सकते हैं इसको ज़्यादा दिखाया गया है, और कैसे वो लोग इंडिया में आके और हमारे छोटी छोटी बच्चियों को जो कि अभी नादान है उनको कैसे वो लोग अपने ही रंग में रंग रहे हैं। तो इस मूवी को बच्चों को दिखाना चाहिए ताकि बच्चों को पता चले अच्छे और बुरे की पहचान हो, और वो आगे जाके ये गलतियाँ ना करें जो इस फिल्म में गलतियाँ दिखाई गई हैं, और अब वो अपने आप को संभालें, देश को संभालें, क्योंकि आगे देश उन बच्चों के हाथों में ही है। तो बेटर है ये मूवी देख के बच्चे अपने आप को संभालें।